नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ आशीष में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल सूखा सूखा सा सब कुछ है, बहुत कम हरियाली है, जो कि आपको और मौसम में यहाँ ऐसा सूखा सूखा नहीं मिलेगा। जैसे आप बारिश में आते हैं तो आपको काफ़ी गोवा हरा भरा मिलेगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस मौसम में अगर आप आते हैं तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पर और थोड़ा सा सूखापन भी है। शायद आपको घूमने में कुछ कठिनाई भी होगी क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। मतलब ये मौसम तो बिल्कुल घूमने के लिए उचित नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको घूमना है तो आप यहाँ पर मई लास्ट के बाद आइए या जून से आइए, क्योंकि उस समय थोड़ी सी बारिश जो रेगुलर हो जाती है और मौसम भी ठंडा रहता है। और अगर ऐसे आप आते हैं तो बिल्कुल इतनी धूप है कि बिल्कुल घुमा नहीं जा सकता आपसे। दोस्तों, ये वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बीच के किनारे की ही एरिया है। एक जगह यहाँ पे 2M है, 2M से मांद्रे के बीच की एक रोड है जो कि थोड़ी हिली एरिया है और फॉरेस्ट एरिया भी है। फॉरेस्ट एरिया क्या, वो काजू के बगान वगैरह है, तो उसके बीच से गुजरती है। काफ़ी अच्छा लुक आता है। अगर आप बारिश के मौसम में आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ और इसी प्लेस का मैं आपको बारिश में भी वीडियो दिखाऊंगा। दोनों में आपको काफ़ी अंतर लगेगा। और थोड़ा सा वीडियो भी मैं बना नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। आगे से कोशिश करूँगा, वैसे मैं जो यहाँ की अच्छी चीज़ें हैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, और दूसरे या तीसरे दिन कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाए जिसमें आपको हम गोवा दर्शन ज़रूर कराएँगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको आगे से अच्छी अच्छी वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ आपके लिए। और गोवा में तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, कई जगह है ऐसी जहाँ तो हम खुद नहीं जा पाए हैं। वैसे कोशिश रहेगी कि मैं खुद घूमूँ और आप लोग को भी एक वीडियो के माध्यम से घुमा सकूँ। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।